ट्रिपल एन का अस्तित्व नहीं रहा, अब ये साफ दिखाई दे रहा है। कैसे ये हमें अच्छी तरह से पता चल रहा है, क्योंकि 29 जुलाई 2021 में आईपीएफटी का एमएलए बिशकेतु देवर्मा रेजिग्नेशन देके त्रिपुरा का सभी लोगों को हैरान कर दिया है। ये बात साफ साफ माननीय बिशकेतु देवर्मा ने कहा पब्लिक को उनके दिल में जो संदेह था उसके लिए। आईपीएफटी का लीडर होके भी आईपीएफटी की डिमांड को काम को प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए हमें पता चल चुका है कि ट्रिपल एन का मूवमेंट सिर्फ शब्दों से ही है, काम से नहीं। ये बातें जनता को और भी साफ हो गया, क्योंकि एमएलए बिशकेतु देवर्मा ने भी रिजाइन देके ये बात को और भी क्लियर कर दिया है कि वो सच में अपने लोगों के लिए काम करना चाहता है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स पैसे को अपने लोगों से भी, अपना वतन से भी ज्यादा चाहते हैं। और सिर्फ दो कादारी टिप्रासा दोफा से खिलवाड़ टिप्रा लैंड का नाम पे देखते हुए रहा नहीं गया, इसीलिए उसने ये कदम आगे बढ़ाना पड़ा। तो इन सब बातों को और भी गहराई से सुनने के लिए आइए हम खुद एमएलए बिशकेतु के मुंह से ही सुनते हैं कि उसने क्यों अपने ही पद छोड़ दिया। थाना 2018 में इलेक्शन जो अप्लाई अब उनको रिजिमाया सन्देह दम जो यापी सेमारो बोले कि बोलिए जो पब्लिक नाम जब आई पब्लिक तो आने फैमिली बक्सन बोले पब्लिक प्रॉब्लम मानी आने फैमिली प्रॉब्लम बक्सन आने सिन्नानी जो जनगण आने फैमिली हिसाब नो वनसुक नाव हाई बागें आं दिनी बंगने बगे मूसा खाने बगे आं दिनी रिजाइन।